जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना बीएड और डीएलएड कोर्स जो कंप्लीट किए हैं, बीएड या फिर डीएड वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आया है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है और 30 सितंबर से आप लोगों के लिए नया नियम रूल एंड रेगुलेशन जारी होगा, जिसके अनुसार क्या होगा कि बिना टेट एग्ज़ाम दिए भी, जी हाँ, बिना टेट, टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिना टेट एग्ज़ाम दिए भी आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बन सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रहा है और आप लोगों को 21,000 रुपये जो है हर महीने सैलरी दिया जाएगा। कुछ ही दिनों का समय आप लोगों के पास बचा है, 30 सितंबर से आप जो है इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगा, फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा बिना टेट एग्ज़ाम दिए भी, क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना हार्डवर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, इतने मेहनत से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं या फिर जो स्टूडेंट डीएलएड करते हैं, लेकिन वो जो है टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड नहीं कर पाते। टेट एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई करना जो है इतना आसान नहीं होता। टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको 150 अंकों में से 60% अंक जो है लाना अनिवार्य होता है अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग। तो टेट एग्ज़ाम से यदि आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो आपको कोई भी जॉब नहीं मिलता। और आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बीएड और डीएलएड कोर्स करने के बाद जो है कोई प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां पर आपको जो है सैलरी जो है सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये जो है दिया जाता है। तो 3500 रुपये में आप अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे। ऊपर से 21वीं सदी में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आप कुछ चीज़ों को ख़रीदेंगे तो उसका प्राइस ही, महंगाई इतना ही ज़्यादा है कि आप जो है 3500 रुपये में अपना घर अपना परिवार नहीं चला पाएंगे। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट के लिए जो बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं, अच्छी अपडेट खुशखबरी निकल कर आ रहा है। अब आप लोगों को परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं है फिर भी आप जो है टीचर बन सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ में जो है बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट को जो है जो बेरोजगार हैं उन बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट को बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 21,000 रुपये जो है आपको हर महीने वेतन के रूप में जो है दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शासन, ये सबसे बड़ी अपडेट आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है, बिना टेट एग्ज़ाम दिए भी आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बन सकते हैं, अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रहा है और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में टीचर का जो वैकेंसीस आया था 12,489 पदों के लिए, तो उसके लिए जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स जो है आपका 18 सितंबर को आयोजित हो रहा है। 18 सितंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम्स होगा दो पाली में, जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे उसके लिए और क्लास 6 से लेकर 8 तक के। तो जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, आवेदन किए हैं, आप जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आपको आपका गवर्नमेंट जॉब जो है मिल जाए। हर एक चीज़ मुमकिन है अगर आप उसके लिए उतने डेडिकेशन के साथ मेहनत करो, अपना हार्डवर्क दो, तो हर एक चीज़ मुमकिन है और आपको जो है सफलता अवश्य मिलेगी। हर एक चीज़ मुमकिन है अगर आप चाहो तो, सब चीज़ मुमकिन है, कोई चीज़ जो है इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है टीचर भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम्स होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है क्या होता है, कितने प्रश्न आपको जो है सॉल्व करना है, किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन से राइटर्स का जो है बुक खरीदते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए, सभी जानकारी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों के लिए मेहनत से प्यार से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है एक अंक के होंगे, 150 प्रश्न के लिए 150 अंकों के, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान और रीजनिंग से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों का, सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका जो है पूरा व्याकरण आता है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी के व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कारक, वाक्य भेद,
रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके जो है हिंदी के व्याकरण जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। वहीं हम इंग्लिश की बात करें जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस नरेशन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिटर्मिनेशन, ये सभी आपके जो है इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है ग्रामर्स की पूरी कम्प्लीटली नॉलेज जो है मिल जाएगा। तो हम जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आप जो है ले सकते हैं। इसके साथ मैथ्स की बात करें जिसमें आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, ये सभी आपके मैथ्स से पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक आपको जो है लेना है। डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेस्ट बुक्स होता है, जिससे आपके मैथ्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका जो है तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंगणित आता है। तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आपको जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है, तो आप ये ले सकते हैं। विज्ञान की बात करें जिसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके जो है विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो विज्ञान की तैयारी करने के लिए आपको जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है, जिससे आपके साइंस की तैयारी अच्छे से हो पाए। सामाजिक अध्ययन की बात करें जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी आता है। और कंप्यूटर्स की बात करें जिसमें आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD/DVD की जानकारी। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपके कंप्यूटर की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाए। तो आप जो है इन सभी बुक्स से जो है कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोज़ को जो है शेयर नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो है जानकारी मिल सके। तो इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट जो है बनाए रखना। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आपका।